तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की न्यायपत्र महासभा में शामिल होने के लिए जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे हैं। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनावों में हम भले ही सरकार नहीं बना पाए, लेकिन 2004 की तरह 2024 में भी बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि घोषणा पत्र का नाम न्यायपत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि ये संघर्ष की आवाज है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, 10 साल से बीजेपी की सरकार ने इस समस्या के लिए कुछ नहीं किया। वही सोनिया गांधी ने कहा कि बढ़ते अंधकार के बीच कांग्रेस न्याय की रोशनी खोज रही है और कांग्रेस बीजेपी की तानाशाही सरकार के विरोध में दो दो हाथ करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर पाना मुश्किल है, रसोई की बढ़ती कीमत हमारी माताओं बहनों के सामने मुश्किल खड़ी कर रही है। वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि हमारी जो 5 न्याय गारंटी है उसके तहत हमने 25 गारंटी दी है, अगर हमारी सरकार आई तो निश्चित रूप से सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी झूठ बोलने वालों में नहीं है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया झूठ बोलकर आते हैं। उन्होंने हमसे पहले कई गारंटी दी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कौन सी गारंटी पूरी की है। मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं, कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। पहला तो बहुत बड़ा गारंटी युवाओं को दिया, कौन सी गारंटी? युवाओं को कहा मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 5 साल में 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? वीरों और देशभक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में आज आप सबके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। साथियों, कभी हमारे महान पूर्वजों ने अपने कठिन संघर्ष के बलबूते पराधीनता के घोर अंधेरे में देश की स्वाधीनता के सूर्य को खोजा और पाया था। इतने वर्षों बाद वह महान ज्योति कुछ मद्दीम पर गई है। चारों ओर अन्याय का अंधकार बढ़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी खोजेंगे। और एक अनोखी बात है, आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में क्या इन चीजों की, ये जो परिस्थितियां हैं आपके, ये जो संघर्ष हैं, क्या इनके बारे में आपको टीवी पे कुछ दिखता है? क्या मीडिया में दिखता है? क्या अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि भाजपा की सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई, कि 25 लाख की आपको बीमा मिल रही थी स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस पार्टी दे रही थी और आज 5 लाख हो गया है? क्या ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं? क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं देश में,
जो गरीब है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, उसके लिए कोई आगे का रास्ता ही नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपने खुद देखा किस तरह से महलों में रह रहे हैं, उनकी शादियां किस तरह से होती हैं, और देश की जितनी भी संपत्ति है उनको सौंपी जाती है, उनके हजारों करोड़ के जो लोन है वो माफ हो जाते हैं, किसान के 10,000 के लोन के लिए किसान आत्महत्या करता है। ये परिस्थितियां हैं आज, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती। आप टीवी देखते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, सिर्फ होर्डिंग देखते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, क्योंकि सबसे भीषण जो प्रहार है आज वो आपकी जागरूकता पर हो रहा है, जनता की जागरूकता पर हो रहा है आक्रमण। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम किसानों को MSP की लीगल गारंटी देंगे, किसानों को एक कानून अधिकार मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा करेंगे। हमारे जो घोषणा पत्र है, महिला, नौजवान, श्रमिक, हर वर्ग को साधने का काम हम लोगों ने किया है। ये चुनाव देश के लिए निर्णायक चुनाव है। आने वाले दिनों में प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे साहब तमाम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा घोषणा पत्र जन जन तक पहुँचे। जब तक हमें काम नहीं करेंगे और चुनाव बूथ पे नहीं लड़ेंगे तब तक हम अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। विधानसभा चुनावों में थोड़ी कमी रह गई, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन दोबारा मौका हम लोगों को मिला है। राजस्थान से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो पूरे देश में संदेश जाएगा। और 2004 में भाजपा ने घमंड और अहंकार में प्रचार किया था इंडिया शाइनिंग का, आज 20 साल बाद वही होगा जब सोनिया जी के नेतृत्व में 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 24 में भी पलटफेर होगा, NDA हारेगी, इंडिया जीतेगी।